नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। जलस्तर 130.90 मीटर पहुंचा, अभी भी खतरे के निशान से 1.11 मीटर ऊपर बह रही है चंबल। सुबह पहुंच चुका था जलस्तर 1.32 मीटर, खतरे का निशान है 129.79 मीटर। चंबल उतरने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। धौलपुर जिले के 2 दर्जन से पैरामेडिकल काउंसिलिंग के छात्र छात्राओं ने आज मंगलवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया कि छात्र छात्राओं ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को प्रमोट करने की मांग की और कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों का भविष्य उधर लटका हुआ है। छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं होने पर उन्होंने अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग रखी है। छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते देश और प्रदेश के सभी कॉलेज और संस्थाएं बंद पड़ी हुई है। कोरोना संक्रमण का संकट पिछले लंबे समय से चल रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं का भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग द्वारा चलाए जा रहे डिप्लोमा की अवधि 2 वर्ष रखी थी, किंतु अभी तक एक बैच ऐसा नहीं है जो 2 वर्ष पूर्ण हुआ हो। माह जुलाई 2018 में अब तक छात्राओं को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रथम वर्ष के पेपर नहीं हुए। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लगातार हालत बिगड़ रहे हैं। इस महामारी के चलते छात्रों को शहर में बैठकर कमरों का किराया देना पड़ रहा है। पिछले 6 माह से छात्रों का समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिससे छात्र एवं छात्राएं आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान पैरामेडिकल की प्रथम वर्षगांठ 2018-19 के छात्रों को सरकार को प्रमोट करना चाहिए, सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिलेगा। पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने गंभीर होकर विद्यार्थियों के हित में जल्दी से फैसला नहीं लिया तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम वंदना दिवाकर है, मैं धौलपुर की रहने वाली हूँ और कॉलेज में पढ़ती हूँ संकल्प में, और मैं मेडिकल का कोर्स कर रही हूँ जिसे DMLT कहते हैं। उसमें एडमिशन तो हो रहे हैं, लगातार एडमिशन करते जा रहे हैं, पर लेकिन पेपरों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे अभी तक उनके पेपर नहीं हुए, 2 साल का ये कोर्स है और 2 साल हमें पूरे हो गए हैं। डिप्लोमा के बारे में अभी भी कोई पेपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अदर स्टेट में और कॉलेजों में और जो मतलब BSc वगैरह जो भी डिप्लोमा थे सारे उनको सभी पास कर दिया गया है या प्रमोट करने की चर्चाएं चल रही हैं, पर लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा है और लगातार एडमिशन करते जा रहे हैं, पर लेकिन हमारे पेपरों के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और इससे बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और जो बच्चे किराए पे रह रहे हैं, जिनके माता पिता गरीब हैं बेचारे, उनके पास खाने तक को रोटी नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा लिख रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको ध्यान में रखते हुए वो किराए पर रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, पर बेचारों को उनको पेपर नहीं हो रहे हैं, इससे वो बहुत पैसों की भी दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात कि इस DMLT के चक्कर में ना तो वो DMLT पूरी हो रही और ना ही वो और कोर्स कर पा रहे हैं। तो हमारा प्रमोट करो, अगर नहीं प्रमोट करना चाहते हो तो जल्दी से पेपर करवाओ जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि सारे बच्चों का भविष्य मतलब उज्ज्वल हो सके। मेरा नाम आरती कुशवाहा, मैं संकल्प कॉलेज से DMLT कर रही हूँ। हम बच्चों को प्रमोट कराने के भविष्य में प्रमोट कराने के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हमारा भविष्य खराब हो रहा है, सब बच्चों को सब यूनिवर्सिटियों के बच्चों को पास किया गया है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी प्रमोट किया जाए। उन लोगों को प्रमोट किया जाए तो हमें भी प्रमोट किया जाए। हम लोगों को 2 वर्ष हो चुके हैं अब तक, हमारा ना तो पेपर हुए हैं ना ही प्रमोट हुए हैं। अगर DMLT करानी नहीं, जब DMLT करवानी ही नहीं थी तो उसमें एडमिशन क्यों करवाया हम लोगों का। कुमार, मैं संकल्प पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सगतपुर धौलपुर से DMLT कर रहा हूँ।